दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के फोटोज वीडियोज मोबाइल की गैलरी में नहीं आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम है कि आपके भी व्हाट्सएप के फोटोज वीडियोज आपके मोबाइल की गैलरी में सेव नहीं हो रहे हैं, और दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप के फोटोज वीडियोज को अपने मोबाइल की गैलरी में सेव करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आपके व्हाट्सएप के फोटोज वीडियोज आपके मोबाइल की गैलरी में नहीं जा रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपकी प्रॉब्लम का सलूशन। बहुत ही आसान सा सलूशन है। तो दोस्तों अगर आप अपने व्हाट्सएप के फोटोज वीडियोज को अपने मोबाइल की गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा। चले फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको व्हाट्सएप से बाहर आना है। व्हाट्सएप से बाहर आने के बाद आपको व्हाट्सएप पर लॉन्ग प्रेस करना है इस तरीके से। उसके बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा और यहाँ पर आपको आई बटन या फिर ऐप इन्फो का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आपके पास ऐप इन्फो का ऑप्शन है तो वहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर आपके पास आई बटन का ऑप्शन है तो आई बटन पर क्लिक कर देंगे। आई बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको मिलेगा परमिशन। देख सकते हैं यहाँ पर मैनेज नोटिफिकेशन के नीचे आपको परमिशन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको देखना है कि अगर आपके व्हाट्सएप की परमिशन नॉट अलाउड है तो अलाउ कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि मेरे व्हाट्सएप की सभी परमिशन अलाउ है। अब दोस्तों यहाँ पर दो परमिशन अलाउ नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे कैमरे पर और उसके बाद हम इसको अलाउ करेंगे, उसके बाद बैक आएंगे। इसी तरीके से आपको सभी परमिशन को अलाउ कर लेना है। माइक्रोफोन पर क्लिक करते हैं, इसको भी अलाउ कर लेते हैं, उसके बाद आपको बैक आना है। अब दोस्तों आपको अपने व्हाट्सएप की सभी परमिशन को चेक करना है, अगर आपकी कोई भी परमिशन नॉट अलाउड है तो उसको अलाउ कर लीजिएगा। अलाउ करने के बाद आपको बैक आना है। अब दोस्तों आपको अपने व्हाट्सएप को ओपन करना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद ऊपर आपको राइट साइड में थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको मिलेगा सेटिंग का ऑप्शन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको मिलेगा स्टोरेज एंड डाटा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको कुछ जरूरी काम करना है। देखिए मीडिया ऑटो डाउनलोड, अब यहाँ पर आपको मिलेगा व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको इन सभी को सेलेक्ट करना है। इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको मिलेगा व्हेन कनेक्ट ऑन वाईफाई, तो यहाँ पर आपको जो है क्लिक करना है और इनको भी आपको सभी को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका फायदा क्या है व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा का। अब जो भी आपके व्हाट्सएप पर फोटोज वीडियोज आते हैं उनको आप अपने मोबाइल से डाउनलोड कर पाएंगे। अब दोस्तों नीचे में आपको मिलता है व्हेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई, मतलब दोस्तों आप अपने वाईफाई से भी अपने व्हाट्सएप के फोटोज वीडियोज को डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद आपको बैक आना है और अब आपको यहाँ पर मिलता है चैट, चैट्स पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है मीडिया विजिबिलिटी, यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे, इसको ऑन कर लेंगे। इसको ऑन करने से होगा क्या कि दोस्तों जो भी आपके फोटोज वीडियोज आपके व्हाट्सएप पे आएंगे वो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएंगे। सेटिंग आपको कर लेनी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा।